इसमें देखिए, इसमें सवाल यह है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया, बहुत बड़ा काम वो नहीं है, थोड़ी सी भी अगर ध्यान प्रशासन का, नेता लोगों का अगर हो जाए, माननीय नेता लोगों का, तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि जो कि तुरंत हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये लेके वहाँ मंदिर तक रोड ऐसा ही है, ठीक है। और वो वाली जो रोड है वो तो बन गई है एक बार, जिसके कारण वो सीधी वाली रोड तो अभी सही है, लेकिन यहाँ से उस मंदिर तक जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अरे मान लीजिए निजी अगर जमीन किसी का है तो उसको नाप करके, वहाँ बिहार सरकार का जमीन है ना बगल में, हाँ, नहीं बन सकता है। मैं हूँ मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। कहते हैं ना, नुक्ता के फेर में खुदा भी जुदा हो जाता है। ठीक वही हाल हुआ है पूर्णिया एयरपोर्ट का। पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में हुआ ये है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा था कि सोनापुर सैन्य हवाई अड्डे के उत्तरी हिस्से में जमीन अधिग्रहण किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने दक्षिणी हिस्से में जमीन अधिग्रहण कर दिया। और आज मामला इतना पेचीदा हो गया है, रास्ता को लेकर, रोड कनेक्टिविटी को लेकर इतना पेचीदा हो गया है कि वो मामला अधर में लटक गया है। और आज सभी समाजसेवी, बुद्धिजीवी ये सब आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। तो मुझे लगा कि मैं रास्ते की समस्याओं को दिखाऊं। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये चूनापुर पुल है, और पूर्णिया से आने वाली जो सड़क है उसी में ये चूनापुर पुल है, और इसी रास्ते से हम चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे जा सकते हैं। एक ये रास्ता है, दूसरा रास्ता है SH-65 से जाने का, और तीसरा रास्ता जो राज्य सरकार कहती है कि हरदा से हम रास्ता चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा तक रोड कनेक्टिविटी देंगे NH-31 से। लेकिन रास्ते की समस्या राज्य सरकार के सामने इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि मैं इसी पुल का वो बोर्ड दिखाकर आपको दिखाना चाहूंगा, रास्ते की समस्या कितनी बड़ी होती है राज्य सरकार के लिए और स्थानीय विधायक लेसी सिंह के लिए, जो मौजूदा वक्त में बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके लिए भी कितनी बड़ी परेशानी है। मैं इस बोर्ड को दिखाना चाहूंगा, देखिए आप, ये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तहत ये बनाया गया है। ये पूर्णिया चूनापुर धमधा पथ में कारी कोसी नदी पर RCC पुल का उद्घाटन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। और आप सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे है दिनांक 15/6/2010 को संपन्न हुआ, इन लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में उद्घाटन संपन्न हुआ। अब 2010 में इस पुल का उद्घाटन होता है और 2023 में आज हम चल रहे हैं, और 2023 तक यानी 13 साल बाद भी इस पुल का अप्रोच पथ नहीं बना है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि इसका अप्रोच पथ नहीं बना है। जब 13 साल में महज 200 मीटर का अप्रोच पथ नहीं बन पाता है, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है राज्य सरकार कब तक रास्ता मुहैया कराएगी एयरपोर्ट के लिए। चलिए मैं वो अप्रोच आपको पहले दिखा दूं। इस पुल को पार करके जो लोग पूर्णिया जाते हैं, वो कुछ लोग हैं अभी मेरे पीछे, मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ इन लोगों को क्या तकलीफें होती है। पुल में अप्रोच पथ नहीं बना है, क्या तकलीफ है आप लोगों को? सर, हम लोग पिछले 13 साल से मंत्री आते हैं, सब आश्वासन मिलता है इस बार अप्रोच पुल बन जाएगा, हम लोग लिख के दीजिए बन जाएगा। हम लोगों ने कितनी बार लिख के दिया है सर, लेकिन अभी तक 13 साल बीत गया पुल बनने का, 200 मीटर भी अप्रोच रोड नहीं है, अभी तक नहीं बन पाया सर। बहुत ही परेशानी होती है हमें, खास करके जब पानी का समय आता है सर, हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा पानी जमा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, यहाँ तक कि 2 चक्का वाहन भी नहीं चल पाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सानू कुमार सर, मेरा घर चूनापुर ही हुआ। चूनापुर ही हुआ, तो पूर्णिया तो रोज जाना आना लगा रहता होगा। जाते हैं सर डेली। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर आप लोग कभी ऐसा चर्चा किए हैं? ग्रामीण स्तर पर हम लोगों ने सर कई बार लिख के शिकायत भी किया है, माननीय से आश्वासन भी मिला है जो कि बन जाएगा। इस आश्वासन के बल पर ही हम लोग 13 साल पार कर चुके हैं। अब जिस दिन वो 200 मीटर का अप्रोच बन जाए, उस दिन हम लोग सोचेंगे हाँ, उनका कल्याण हो गया। चलिए आगे दिखाते हैं वो अप्रोच, जो अप्रोच अब तक नहीं बना। यही दिखाने के लिए चूनापुर पुल पर आया हूँ कि रास्ते की समस्या कितनी है यहाँ के लोगों को, और जो रास्ते की समस्या चूनापुर एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर उत्पन्न हुई है, वो समस्या कितनी गहरी। इस समस्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चूनापुर एयरपोर्ट तक जाने के लिए जो समस्या उत्पन्न हुई है, वो समस्या कितनी बड़ी होगी। मैं जूम करके आपको दिखाता हूं कि ये यहां पुल है और ठीक से 100 मीटर की दूरी पर कालीकरण सड़क बन चुकी है, रोड बन चुका है वहां तक, और यहां से वहां तक 100 मीटर की दूरी है, लेकिन इसका अप्रोच पथ नहीं बन पाया है।
मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ जो चुनापुर गांव है वहाँ जाकर कुछ ग्रामीण से बात करूँ कि आखिर ये अप्रोच अब तक क्यों नहीं बन पाया है, ये मैं गांव जाकर आपको दिखा पाऊंगा। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर यही डीएवी चौक पे है। कहाँ से आ रहे हैं? एयरपोर्ट से आ रहे हैं। इस रास्ते पर क्या तकलीफ है आपको? चलिए, तकलीफ बहुत सारी तकलीफें हैं, एक्सीडेंट होने का चांस है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये लेके वहाँ मंदिर तक रोड ऐसा ही है, ठीक है, और वो वाली जो रोड है वो तो बन गई है एक बार, इसके कारण वो सीधी वाली रोड तो अभी सही है, लेकिन यहाँ से उस मंदिर तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप देख रहे हैं कितना गड्ढा है, मिट्टी है, इसमें रिपेयर भी नहीं हो रहा है। बना क्यों नहीं है, कारण बता सकते हैं? तो ऊपर वाले आदमी ही बता पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। चलिए चलिए गांव जाकर के, जो कालीकरण रोड है ये पुल तक बना था, पुल के गेट, पुल के गेट तक बना था, यानी बीच में 1400 मीटर नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था, क्या कारण था? पब्लिक का जमीन होता है, निजी आदमी का जमीन है, निजी आदमी का जमीन है। सुनापुर घर है सर आपका? जी सर, हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो पुल से हम लोग नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर सड़क क्यों नहीं बन पाई है अभी तक? देखिए, इसके लिए तो हम लोग ग्रामीण बहुत प्रयास किए हैं जी, कई बार लिख के भी दिए हैं, हम लोग मिले भी हैं, विधायक महोदय से मिले हैं, सभी से मिले हैं हम लोग, और अभी तक मिल रहे हैं। जो नहीं मिल, क्यों नहीं बना है ये तो वही लोग बताएंगे क्यों नहीं बन रहा है। नहीं, अभी इम्पोर्टेंट रोड है। अभी चचा बताया क्या कि किसी निजी आदमी का जमीन पड़ता है, गांव घर के आदमी का जमीन पड़ता है, इसलिए वो नहीं बन पाया है। ऐसा तो हमको नहीं पता है, ऐसा तो नहीं पता नहीं है। मान लीजिए निजी अगर जमीन किसी का है तो उसको नाप करके, वहाँ बिहार सरकार का जमीन है ना बगल में, मन नहीं बन सकता है? बिहार सरकार की जमीन है बगल में, बगल में है बिहार सरकार की जमीन। अगर निजी है तो बिहार सरकार की जमीन है, ये सब बात हम लोग प्रशासन से कई बार कह चुका। अभी आप लोग को परेशानी कितनी होती है ये बताइए। हम लोगों को परेशानी तो हम लोगों का जीवन गुजर चलिए रहा है, लेकिन ये जब बनभाग पुल जाम होता है, बनभाग पुल जब जाम होता है तो यही रास्ता में हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, इतना जाम लगता है इस रोड में। यही एक रोड है जो बनभाग पुल जाम होने के बाद इससे आती है। क्षेत्र के लगभग 50,000 पब्लिक इससे प्रभावित। तो प्रशासन से आप लोग मिले हैं? मिले हैं पर साल हम लोग मिले हैं, पिछले साल मिले थे। चलिए, ये सड़क जो है ये बाईपास सड़क के रूप में भी काम आता है लोगों को, जब बनभाग पुल यदि जाम हो जाए किसी दिन तो इसी सड़क मार्ग से, हवाई अड्डे के रास्ते से, जो हवाई अड्डे का मेन रास्ता है उस रास्ते से। फिर सरकार की सबसे बड़ी बात है कि सरकार की योजनाएं जो हैं, ये तो आज से 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले पुल बना है। अप्रोच बिहार सरकार जो है अप्रोच पथ के लिए स्वीकृति भी दे दी, ये भी हम लोगों ने अखबार में देखा कि बिहार सरकार पूरे बिहार में जहां अप्रोच पथ नहीं है वो पथ बनना चाहिए, लेकिन साल एक साल हो गया है अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मुनिंद्र राय, चुनापुर के ही रहने वाले। चुनापुर के रहने वाले। देखिए, इसमें सवाल ये है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया, बहुत बड़ा काम वो नहीं है, थोड़ी सी भी अगर ध्यान प्रशासन का, नेता लोगों का अगर हो जाए, माननीय नेता लोगों का, तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि जो कि तुरंत हो जाए। एक हमको कोई इंटरेस्ट पर्सनल, हम तो अपना जीवन गुजर कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इतनी प्रशासनिक पदाधिकारी के गाड़ी को भी दिक्कत होती है कभी कभी, ऐसा भी देखने को हम लोगों को मिला है। क्या बताएं, आप किस टीवी से आते हैं? आपने महाभारत का एक डायलॉग सुना होगा, मुकेश खन्ना उसमें कहते हैं, जो भीष्म पितामह के रोल में है, वो कहते हैं व्यवस्था की खाई में पलने वाला भीष्म कुछ नहीं कर सकता, बस कुछ नहीं कर सकता। ठीक वही हाल हो गया है आम पब्लिक का, वह भी कुछ नहीं कर सकती है। आम पब्लिक भी सिर्फ आश्वासन को ही अपने दिल में संजो के रख लेते हैं और कुछ भी, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं अभी उसी जगह पर हूँ जिस जगह से ये 65 से चुनापुर सैन्य हवाई अड्डे होते हुए ये पूर्णिया जाती है इधर, और ठीक मेरे सामने ये गुवासी जाती है, जिस रास्ते को आप, जो नया अधिग्रहण हुआ है, नए एयरपोर्ट के लिए जो जमीन अधिग्रहण होने का, ये एक सुगम रास्ता है।
लेकिन जो मूल रास्ता है पूर्णिया से चुनापुर आने तक का जो मुख्य मार्ग है, वो मुख्य मार्ग पुल होकर आना पड़ता है। पुल का निर्माण 2010 में पूरा हुआ है और आज 2023 में हम है। 2023 में जब एक किसी निजी व्यक्ति की जमीन है, और अभी जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बगल में भी बिहार सरकार की जमीन है, रास्ता वहां भी हो सकता है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को इस बात की जानकारी दी है और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, उन्हें भी स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है, लेकिन मौजूदा वक्त में सड़क का निर्माण अब अप्रोच का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। अब सवाल यहीं पर उठता है कि जब 200 मीटर का अप्रोच पथ का निर्माण नहीं हो पाता है, तो फिर चुनापुर सैन्य हवाई अड्डे से हरदा जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य कितना संभव हो पाएगा, जिस रास्ते के लिए बिहार सरकार कह रही है कि आप पहले एयरपोर्ट का निर्माण करवाइए, हम अप्रोच पथ और हम NH 31 से रोड कनेक्टिविटी एयरपोर्ट को देंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और खास मुद्दे के साथ। तब तक मैं मुकेश सिंह आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।